हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीडी एस्पिरेंट्स। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी, है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। जी हाँ, आज लॉन्च हो रहा है प्रोपेलर प्रोग्राम फॉर फेब्रवरी बैच। तो जैसे ही हमने अगस्त बैच में धूम मचाई थी, वैसे ही हम इस बार भी मचाने वाले हैं फेब्रवरी बैच में। अभी तक नहीं पता है आपको तो हम लोग के यहाँ से 60 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं। थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट कंपनीज का, जिन बच्चों का अभी तक पोस्टर बन चुका है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको करके पोस्टर यहाँ पे। सबसे पहले एंग्लो ईस्टर्न की बात करते हैं, जो सबसे पॉपुलर है इस टाइम। वहाँ पे हमारे 14 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इस बार। अगर हम बात करें ग्रेट ईस्टर्न की, वहाँ पे 10 हो चुके हैं। अगर आप बात करें सिनर्जी की, वहाँ पे 1 है। आप बात करें WSM की, तो वहाँ पे 4 हैं। आप बात करें मॉस क्लाइम की, वहाँ पे भी 5 बंदे हो चुके हैं, पर 4 ही का अभी तक पोस्टर बना है। आप बात करें MSC की, तो वहाँ पे 3 हैं, पर 2 ही लोगों का पोस्टर बना है। बात करें आप सिम्स की, वहाँ पे 6 लोग हो चुके हैं, अभी तक 5 ही लोगों का पोस्टर बना है। अगर आप बात करें थॉम की, वहाँ पे 3 लोग सिलेक्शन हुए हैं। और अगर आप बात करें गियर बल्क्स की, तो वहाँ 2 ही बच्चे इस साल सेलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, और 1 बच्चा हमारे यहाँ से है। अगर आप बात करें तोलानी शिपिंग की, तो वहाँ पे भी 1 सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से। अगर आप बात करें स्कॉर्पियो की, वहाँ पे भी हमारे यहाँ से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और मैं कुछ नाम मिस कर रहा तो वो थोड़ा सा दिखा देंगे आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, बाकी हम सारे के सारे रिजल्ट अपने धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देखते रहिएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और बात करते हैं कि फेब्रवरी बैच जो प्रोपेलर का निकला है उसमें क्या क्या मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप रजिस्टर कर देंगे, मतलब पेमेंट करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको 12 तारीख की रात को एक टाइम टेबल मिल जाएगा। इसमें आपको 13 और 14 में से कोई एक दिन दिया होगा और आपको टाइम शेड्यूल मिलेगा कि उस टाइम आपकी एक पर्सनल मीटिंग होगी हमारी टीम के साथ। ठीक है, उस मीटिंग के अंतर्गत मैं होऊंगा और मेरे साथ 7 लोग और होंगे जो उस मीटिंग को ले रहे होंगे। उसमें आपसे हम पर्सनल बात करेंगे, आपका फिजिक्स कैसा, आपकी केमिस्ट्री कैसी, आपकी मैथमेटिक्स कैसी, आपका GK कैसा, आपका इंग्लिश कैसी है, मतलब आपके सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है, आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, मतलब पूरा का पूरा जो भी एक स्पॉन्सरशिप में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट जो होते हैं, वो सारे हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डिस्कस करिएगा वहाँ पे, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके देंगे, उसी के हिसाब से आपको मेंटर देंगे, उसी के हिसाब से आपके इंटरव्यूज भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो सब चीज़ आपकी पर्सनल लेवल पे डिसाइड हो रही होगी, तो वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं छुपाइएगा। वहाँ पे इस चीज़ का अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे जब आपका हो रहा होगा। और ये हर बच्चे का लगभग 30 से 45 मिनट तक लंबा सेशन खिंच जाएगा, और इसी के बेसिस पे लगभग उस बच्चे का पूरा प्रोपेलर प्रोग्राम चल रहा होगा। बाकी ये मैं हर हफ्ते प्रोग्रेस चेक्स मीटिंग होती रहती हैं, उसमें भी अगर आपका कुछ कुछ चेंजेस हमको लगता है ज़रूरी है, मेंटर चेंज करना भी ज़रूरी है, तो वो भी आपकी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल हो रही होंगी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम चाहेंगे कि पहली मीटिंग में जितना लंबा खींचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घंटा चला जाए उसकी इशू नहीं है, पर बच्चे का अच्छा इवैल्यूएशन हो जाना चाहिए जिससे कि उसे आने वाले प्रोग्राम में ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े हमको। उससे बच्चे का भी डिस्ट्रैक्शन होता है और हमारा भी होता है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं मेरी टीम के बारे में। ठीक है, उसमें जो मेंटर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है भाई। तो जो हमारे के मेंटर्स हैं, पहली बात तो 100 लोगों ने अप्लाई किया था मेंटर और टीचर बनने के लिए हमारे यहाँ पे, उसमें से मात्र 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो स्पॉन्सरशिप लोग क्रैक करते हैं वो तो स्पेशल होते हैं, 100 लोगों ने स्पॉन्सरशिप क्रैक कर रखी, उसमें से सिर्फ टॉप 6 को लिया गया है, बेस्ट 6, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लोगों को निकाला गया है इस प्रोग्राम के लिए।
उनकी क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने सिनर्जी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, किसी ने आपका एंग्लो का क्रैक किया हुआ है, किसी ने ग्रेड का क्रैक किया हुआ है, और मैं तो किसी ने बोल रहा हूँ, कई लोगों ने उसमें से एंग्लो, स्कॉर्पियो, ग्रेड तीन तीन चार चार स्पॉन्सरशिप क्रैक कर रखी हैं भाई। कईयों ने टॉम का किया है, कईयों ने मस्क का किया हुआ है, कईयों ने स्कॉर्पियो का किया हुआ है, कईयों ने सिनर्जी का किया हुआ है, कईयों ने गियर बल्क किया हुआ है, कईयों ने ग्रेट ईस्टर्न का किया हुआ है, और आपकी एमएससी का किया हुआ है, थॉम का किया हुआ है, टॉम का किया हुआ है। इस टाइप की टीम है हमारी, आप समझ सकते हैं कि कितनी शानदार टीम होगी। इन लोगों से आप बात कर रहे होंगे तो किस लेवल की बातें हो रही होंगी, वहाँ पे किस लेवल की गाइडेंस मिल रही होगी आपको। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे के पूरे प्रोग्राम में 15 लोग इन्वॉल्व होंगे मेरी टीम में, जो उस प्रोपेलर प्रोग्राम को पूरा स्मूथली रन करवा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत कहीं पे ना आए, ना टेक्निकल, ना पर्सनल, ना कहीं टेस्ट में, ना मॉक में, कहीं पे भी कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 14 तारीख के बाद आपके साथ क्या क्या हो रहा होगा। 14 तारीख के बाद जो 15 तारीख आती है, 14 तारीख की रात को एक टाइम टेबल मिल जाएगा आपको। उस टाइम टेबल के अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है, किस दिन आपकी एचआर क्लासेस होंगी, किस दिन आपकी पर्सनल क्लासेस होंगी, किस दिन आपकी टेक्निकल क्लासेस होंगी, किस दिन आपका टेस्ट हो रहा होगा। तो पहले महीने आपका मॉक इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि पहले महीने हम लोग आपका 70% बेसिक क्लियर करवा देना चाहते हैं। टेक्निकल तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, 60-70% आपका एचआर और पर्सनल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले महीने आपकी लगभग 20 क्लासेस हो रही होंगी, और हमको लगेगा कि एक्स्ट्रा क्लास उसके बाद भी चाहिए, तो वो क्लासेस भी हो रही होंगी आपकी, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, पहले महीने आपका टेक्निकल हम किसी भी तरीके से पूरा खत्म करवा देंगे। और टेक्निकल की बात बता देता हूँ, टेक्निकल उस पार्ट को कह रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको आइडिया लग गया है यहाँ पे कि आपका पहले महीने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा, उसकी भी तमाम वजहें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात हम आपको पहले अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप जब मॉक इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ हद तक आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी हो, तो आप कुछ सीख पाए। ऐसा ना हो कि मॉक देने चले गए, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, कैसे होगा, ठीक है। वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो 60% आपका एक होता है समझने वाला लेवल, और 40% होता है आपका प्रैक्टिस। दोनों को मिला के आपके 100% प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। देख के मॉक इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सीखना होता है, गलतियों से सीखना होता है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी चेक है इसमें। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते सही जब तक, मतलब क्वेश्चन पेपर में आप बुक से देख सकते हो, पर आप अगर आप देखोगे ना, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी जहाँ चेक हो रही है वहाँ पे आपको एक स्ट्रांग बंदा चाहिए, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, वो आपको चेक करता रहेगा अपने कंपैरिजन में कि वो आप कहाँ स्टैंड करते हो, उस बंदे के कंपैरिजन में आप वहाँ पहुँच पा रहे हो या नहीं, इंटरव्यू की डिमांड पूरी कर पा रहे हो नहीं हो, वो चीज़ आपको क्रॉस चेक होती रहेगी। इंटरव्यू का प्रिपरेशन तेज नहीं होता है, स्लो होता है, जैसे आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी चेंज करी जा सकती है, अचानक से नहीं हो सकती। आज मैं सोया, कल रात उठा, मैंने ये किताब पढ़ ली 0 to 1, तो मैं कल बिलियनर बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर मैंने ये पढ़ ली एटॉमिक हैबिट्स पढ़ ली, तो मैं क्या बोलते हैं वो बन जाऊंगा पूरा का पूरा एक अच्छा आदमी, मैं सारी हैबिट्स ले लूंगा, नहीं, ग्रेजुअली होती हैं ये चीज़ें। साल भर आपको लगाना पड़ेगा हैबिट बिल्ड करने में, पर्सनैलिटी चेंज करने में 3-4 महीने आपके लग जाएंगे, और 3-4 महीने इस लगेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, स्कूल में इन्वॉल्व है, तो कुछ से 40-50% आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी है वहाँ पे, बस हम उसको और पुश करके शेप देके एक अच्छे वे में इंटरव्यू के लायक उस चीज़ को बना देंगे। और ये काम थोड़ा मेहनत का होता है, इसीलिए इसमें पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको माइन्यूटली चेक करना होता है आपकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेट। ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, ऐसे डिस्टिंक्ट देखोगे ना, कोई कुछ मैटर नहीं करेगा, पर हर पर्सनैलिटी की छोटी छोटी होती है आपकी, उन सब का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर कहीं छोटी सी गलती है वो आगे चल के बड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने वो देखा है, वो बहुत सारे छोटे 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 ऐसे रखे रहते हैं, उसमें एक गिराते हैं सारे गिरते चले जाते हैं, तो पर्सनैलिटी भी आप कैसे छोटा 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 एक साथ रखे हुए हैं, सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, पर आपने एक गड़बड़ कर दी कहीं, पूरा का पूरा ढह जाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है वहाँ। पर्सनैलिटी बहुत नाजुक चीज़ है, ठीक है, तो उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा फोकस आपका पर्सनैलिटी पर हो रहा होगा कि पर्सनैलिटी आपकी इंटरव्यू लायक कैसे बनाई जाए, ठीक है, उसी हिसाब से आपको मोल्ड अप कर रहे होंगे हम लोग। तो चलिए, अभी तक आपने सुना है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होगी, अब बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की कैसे होगी। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली, आप लोग फरवरी बैच के हैं तो मैं मान के चलता हूँ,
अब लोग लगभग 50-60-70% बच्चों ने तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे स्पॉन्सरशिप का एक ना एक बार, तो ठीक है। तो अभी बताते हैं फरवरी बैच का क्या सीन रहेगा आपका इसका। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो आपसे ये कहूँगा, हम आपको उसमें कुछ पढ़ा नहीं रहे होंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर टॉपिक्स मिल जाएंगे जो जो आने वाले हैं, और सीक्वेंस में मिलेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले तो इसको दे दो, इसके बाद बेकार वाले टॉपिक दिए जाएंगे आपको जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। और अगर आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। आपको डेली प्रॉब्लम्स मिल रही होगी, डेली की डेली आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आप इन्वॉल्व रहें, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन ही करे जाएंगे जो एक स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में आते हैं। और उसी के बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट भी हो रहे होंगे, सेम स्टैंडर्ड्स और पूरा पैटर्न उठा लिया जाएगा कि ग्रेट ईस्टर्न में कितना क्वेश्चन आता है, किसके सब्जेक्ट का कितना रहता है, उसी हिसाब से आपके मॉक टेस्ट भी बनाए जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, डेली डीपी भी मिलेंगी आपको और एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, उसमें आपके नोट्स भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे अच्छा खासा। मैं बता भी दूंगा कि आपको कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कौन से टॉपिक कर रहे हैं, वो हर बच्चे को अलग अलग मिल रहा होगा, ठीक है। लगभग 5,500 क्वेश्चन हैं उसमें, पर किसी बच्चे को 3 भी मिल रहे होंगे, किसी को 4 भी मिल रहे होंगे। चाहिए होंगे तो मैं पूरे क्वेश्चन भी दे दूंगा, पर हम उतने ही देंगे जितना उस बच्चे की नीड हो, अगर वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो हमसे कुछ भी एक्स्ट्रा ले सकता है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड मंथ में क्या हो रहा होगा आपके साथ, दूसरा महीना जब आपका स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा आपके साथ। तो जब दूसरा महीना आपका स्टार्ट हो रहा होगा तो सबसे पहली चीज जो आएगी आपकी चेंज, जो आपकी क्लासेस होंगी एचआर और पर्सनल जो क्लासेस हो रही होंगी आपकी, उसमें आपके मॉक इंटरव्यूज होना चालू रहेंगे। पहले के 30-35 मिनट आपके क्लास में मॉक इंटरव्यू हो रहा होगा, उसके बाद उसी पे डिस्कशन हो रहा होगा, और उसके बाद थोड़ा टाइम बचा के कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा होगा, ठीक है। जिससे आपका 60-70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, आपको मॉक इंटरव्यू देना है और दूसरों को देखना है और खुद को देना है, ठीक है। अब यही काम चलेगा एक सॉफ्ट कोर मेथड में, ठीक है। बहुत हार्ड टफ रूल नहीं रहेगा इस मॉक में, आपको सीधे धीरे धीरे कंफर्टेबल कराया जाएगा मॉक इंटरव्यूज के साथ, ठीक है, आपके जो मेंटर्स करेंगे। इसके बाद आपका एक पैरेलल में टीम स्टार्ट हो जाएगी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, ठीक है। वो आपके एक सीरियस लेवल पे मॉक इंटरव्यू ले रहे होंगे, ठीक है। अगर एक जगह आप सीरियस दे रहोगे, एक जगह आप थोड़े सॉफ्ट कोर दे रहोगे, सॉफ्ट कोर वाली जगह पे आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे अपना अपना थोड़ा थोड़ा करके, एक जगह जाके अपने आप को क्रॉस चेक करते रहोगे यार मैं एक्चुअली में हूँ कहाँ पे, मेरा स्टैंडर्ड कितना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी क्रॉस चेक होती रहेगी बार 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 बार, और आपको इवेल्युएशन दोनों जगह से मिलेगा कि सॉफ्ट कोर में तो आपको पूरा 30 मिनट का गाइडेंस मिलेगा, समझाया भी जाएगा, पूरा क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट कराया जाएगा आपसे, और जो आपका छोटा वाला है क्या बोलते हैं प्रोफेशनल वे में हो रहा है वहाँ पे आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा यहाँ यहाँ चेंजेस कर लो, पर वहाँ पे रीएवेलुएशन का टाइम नहीं मिलेगा। वो आपको अपनी क्लास में जाके अपने मेंटर को बताना है, सर मैंने वहाँ अपने मॉक दिया था उसमें ये गड़बड़ थी, आप मेरे को थोड़ा सा बता दो उसको मैं सही कैसे करूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा होगा, वहाँ पे टेस्ट दिया आपने मेंटर से पता गया, मेंटर आपका सॉफ्ट कोर टेस्ट ले रहा है, पहले महीने की बात है ये, सॉफ्ट कोर टेस्ट आपके पहले महीने ही सिर्फ चलेंगे, ठीक है, समझ गए ना आप इस बात को। सॉफ्ट कोर आपके मेंटर ले रहे होंगे और वहाँ पे आपका सीरियस चल ही रहा होगा, तो जिसकी वजह से आप एक अच्छे खासे फॉर्मेशन में बिल्डअप हो रहे होंगे। पर जैसे ही आपका दूसरा मंथ खत्म होगा तो आपका मेंटर भी सीरियस हो जाएगा, उसके बाद जो आपके मेंटर्स इंटरव्यू ले रहे होंगे वो सारे के सारे सीरियस इंटरव्यू होंगे, और पर मेंटर्स का एक बात है वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे हर चीज़ का, जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होंगी उस पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे वो लोग, तो आप एक माहौल में आ जाएंगे मॉक इंटरव्यूज देने के। और टेस्ट आपके पहले दो महीने होंगे उसमें क्या होता है कि आपके हर संडे को टेस्ट हो रहे होंगे मॉक, पर जो अगला महीना होगा स्टार्ट उसमें आपके हफ्ते में दो मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, मॉक टेस्ट दो हो रहे होंगे, ठीक है। और जितने भी आपके मॉक इंटरव्यू क्लासेस होंगी उसका शेड्यूल आपको हमेशा पहले मिल जाएगा, टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट और टाइमिंग में दिक्कत होगी आपको एक हफ्ते या 6 दिन पहले बताना पड़ेगा कि सर मेरा ये इशू है, इस दिन मैं इस टाइम पे नहीं आ पाऊँगा, ठीक है, कम से कम पहले इन्फॉर्म करके रखें जिससे मेंटर उस चीज़ को रीशेड्यूल कर पाए हिसाब से, क्योंकि उसका अच्छा खासा शेड्यूल बना हुआ है, उसमें आप गड़बड़ कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाती है, फिर पहले बता दोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलसिला लास्ट के एक महीने 1-1.5 महीने आपका जो सिलसिला है तीसरा और आधे महीने का वो मॉक इंटरव्यूज और उसकी इवेल्युएशन पे ही जाएगा और आपके मॉक टेस्ट देने पे, ठीक है। और डाउट्स अगर आपको आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, जो भी आपका डाउट बनता है किसी भी
क्वेश्चन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड में, या फिर इंग्लिश का तो भाई गूगल कर लेना, ठीक है, तो पता लग जाता है वहाँ से, फिर भी आता है तो ग्रुप में डाल देना, बता देंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोपेलर फेब्रुअरी बैच के और की फीचर्स के बारे में। अगला है वीकली चेकअप, ठीक है, हर हफ्ते आपका प्रोग्रेस चेक हो रहा होगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या क्या कमियाँ थी उसमें, कमी हुई या आगे बढ़े या पीछे हुए, सब कुछ आपको इवेल्युएट करके दिया जा रहा होगा। नेक्स्ट है आपका मेंटर का इवेल्युएशन, हर 15 से 20 दिन पे आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप अपने मेंटर को उसमें इवेल्युएट कर सकते हो, और आपको अपने मेंटर से कोई दिक्कत है या फिर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही अपने मेंटर के साथ, तो आप अपना मेंटर चेंज भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन बाद, ठीक है। अब मतलब 15-20 दिन दीजिए अपने मेंटर को, क्या पता आप शुरू में गलत जज कर लें, क्योंकि शुरू में बहुत जल्दी जज करना अच्छी बात नहीं है। 15-20 दिन का आपको हर बार टाइम दिया जाएगा, एक गूगल फॉर्म आएगा, उसमें इवेलुएट कर सकते हैं, अपना मेंटर भी चेंज कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं होने वाला है आपके साथ। इसके बाद जो सबसे शानदार चीज़ है हमारे प्रोग्राम के बारे में, जो मुझे बहुत खुद से पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है उन बच्चों से बात करना जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर दिया एग्ज़ाम। हाँ जी हाँ, हम अपने प्रोपेलर के एलुमिनीज को बुला रहे होंगे, यहाँ पे और भी लोगों को बुला रहे होंगे, पर मेजरली एलुमिनीज ही होंगे जो प्रोपेलर में अगस्त बैच के बच्चे थे जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं, वो हर हफ्ते में एक बार आपसे मीटिंग ले रहे होंगे और आप उनसे डिस्कस कर रहे होंगे, सर आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, आपका कॉलेज कैसा चल रहा है, आप प्रॉब्लम्स को सर अपने टाइम में कैसे टैकल करते थे, सर आपका कैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लास्ट में बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है तो आप प्रेशर कैसे डील कर रहे थे, उस टाइप की बातें आप उन लोगों से कर रहे होंगे वन ऑन वन। ये चीज़ें बाहर मिलना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ सबसे मुश्किल है बाहर मिलना, लोग लाइव तो जाते हैं यार बाहर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं लाइव जाके बाहर, पर उसमें पता है क्या दिक्कत होती है, आप वहाँ अकेले नहीं होते उसको देखने वाले, ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि आप वहाँ पे उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी भारी संख्या के लोग आपको देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप कई चीज़ उनसे पर्सनली नहीं पूछ पाते हैं, और टाइम बाउंडेशन रहती है, वो आपको हो सकता है महीने में या 3 महीने में 4 महीने में एक बार चांस दे दें, और हमारे यहाँ ये चीज़ आपको हर हफ्ते मिल रही होगी, ठीक है, तो ये आपका बहुत बहुत प्लस पॉइंट है वहाँ के कंपैरिजन में। करने को तो लोग बाहर से भी कर लेंगे बात, आपके रिश्तेदार हैं तो भाई कर सकते हो, बाकी लोगों की अपनी लाइफ भी होती है इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते उतना, ठीक है, तो उस चीज़ की कमी हम आपको प्रोपेलर में करवा रहे होंगे पूरी। तो एक कहावत भी है इस चीज़ के बारे में, सक्सेस के बारे में, अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आप पता करिए किन किन लोगों ने वो चीज़ अचीव कर रखी है, और उनसे बात करिए, उनसे कनेक्ट करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको बेटर बताएंगे उस चीज़ को कैसे अचीव करना, वो ये बता देंगे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सक्सेस पाने के तो बहुत तरीके होते हैं, पर सक्सेस ना पाने के कुछ ही तरीके होते हैं, कुछ वजह से ही आदमी गड़बड़ होता है, तो वो चीज़ आपको बता रहे होंगे कि इस बात में यार ये पक्का गड़बड़ मत करना, इसकी वजह से खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, तो वो एक अलग लेवल का इंट्रैक्शन होता है। जैसे आपने एस्पिरेंट्स देखा होगा, उसमें बताते हैं ना कि क्रिकेट मैच टीवी पे देखना और स्टेडियम में देखने में अलग फील होता है, तो वो वाली बात हो रही होगी यहाँ पे। एक चीज़ और है यार, छोटी चीज़ है हमारे प्रोग्राम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती मेरे को, मेरे इस परस्पेक्टिव से नहीं लगती, पर फिर भी ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लापरवाह टाइप के होते हैं, तो थोड़ा से होते हैं ना यार, थोड़े से होते हैं कुछ उसका कैरेक्टर होता है थोड़ा सा लापरवाही टाइप का, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत खराब लोग होते हैं वो कुछ होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें ये चीज़ रहती है, वो कहीं और स्ट्रांग होते हैं कि आप तक PCM में ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो ध्यान नहीं देते ज़्यादा चीज़ पर, ठीक है, उनके लिए है कि अगर कोई फॉर्म निकल के आता है किसी कंपनी का तो आपको सबसे पहले हम लोग बता देंगे, तो आपको किसी प्लेटफॉर्म पर जाके बार बार किसी दूसरे चैट ग्रुप में जाके चेक नहीं करनी होगी ये चीज़, ठीक है, समझ गए ना इस बात को, ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है मेरे प्रोग्राम के बारे में, वो है माहौल देना, ठीक है, एनवायरमेंट क्रिएट करना। जैसे आप जाओगे दूसरे ग्रुप्स पे जाओगे, बहुत सारे चैट ग्रुप हैं, जैसे अगस्त बैच की बात करता हूँ, अगस्त बैच में क्या चल रहा था कि एंग्लो आएगी, ग्रेट आएगी और 2-4 कंपनी और आएगी और बाकी कंपनी कोई नहीं आएगी, और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, इस साल वो कंपनीज भी आ गई जो पहले नहीं आती थी, गियर बल्क आई है इस साल नई कंपनी, आपकी डॉक एंड डेल आई है, PLI आई है, सिनर्जी आई है, आपकी स्कॉर्पियो भी आई है, टॉम भी आई है, WSM भी आई है, थॉम आई है, सारी कंपनीज आई हैं लगभग, एक फ्लीट मैनेजमेंट नहीं आई इस साल, बाकी लगभग सारी की सारी कंपनीज आई हुई हैं, तो ये फालतू की टॉक्सिसिटी हमारे ग्रुप पे नहीं होगी, ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक माहौल रहता है, बहुत बच्चों ने गिवअप कर दिया था, बहुत बच्चे परेशान रहते थे इन बातों से, ठीक है, उसी चीज़ को मैं अपने ग्रुप में मेंटेन करके रखता हूँ, ऐसी कोई फालतू की बात ना हो रही हो। दूसरा मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ग्रुप में कि तेरे को ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, समझ रहे हो, जो नए बच्चे होते हैं उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है कि तू मचने में क्या करेगा वो करेगा,
उस चाय का माहौल भी नहीं क्रिएट हो, टॉक्सिक माहौल किसी भी तरीके से हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा होगा। और एक चीज़ जो मुझे बहुत बेकार लगती है, कैप्टन क्या करता है, चीफ इंजीनियर क्या करता है शिप पे, थर्ड ऑफिसर क्या करता है, फोर्थ ऑफिसर क्या करता है। भाई देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम वो बातें कर सको। जब तुम कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, स्पॉन्सरशिप ले लोगे, तब तुम आराम से पूरी बात कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इंस्टाग्राम अकाउंट बना लोगे ना, तुमको सुनने आएंगे लोग यही बात करने के लिए, ठीक है। थोड़ा अभी के लिए थोड़ा सा थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद तुम कर सकते हो वो सब, ठीक है, तब चलेगा, तब लोग सुनेंगे भी तुम्हारा बात। अभी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि आप सेलेक्टेड नहीं है, अभी सिर्फ आप जैसे ही लोग सुन रहे हैं जो अनसेलेक्टेड है आपकी बात। पर जब सेलेक्ट होएंगे ना, हज़ारों लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, ठीक है। देखिए चेतन सर का जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, सॉरी पेज है जो इंस्टाग्राम पे, तो देख रहे हो ना 2 लाख पहुंच गया, तो कुछ वैसा कर लेना यार, ठीक है, तब कर सकते हो, तब आपकी सुनेंगे लोग। अभी नहीं सुनेंगे, आप फालतू की बात मत करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। कॉलेज जाएंगे तो आप वहाँ पे पूरा बात करिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितने महीने का है। 3.5 मंथ्स का प्रोग्राम है हमारा, प्राइस इसका 1999 है, 1999 1999 प्रोग्राम का प्राइस है हमारा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारी की सारी क्लासेस इंग्लिश में होंगी, जिससे बच्चा सीखे। अगर आपको इशू होता है क्लास में इंग्लिश से, तो अपने मेंटर को बोलिए कि सर आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। और हाँ, जो भी आप क्लासेस करेंगे आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, आप भी इंग्लिश में बोलेंगे, चाहे कितनी ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं आप लोग, इंग्लिश में ही अगले 3.5 महीने बात कर रहे होंगे हमारे ग्रुप पे, आप लोग अपने मेंटर से, मुझसे या जिससे ही बात कर रहे होंगे, सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी खासी हो जाए। इंग्लिश बोलने की अगर नहीं आती है, कम से कम एक फ्लुएंसी आ जाएगी आपको 3.5 महीने में। 3.5 महीने प्रैक्टिस कर दोगे ना, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तगड़ा फ्लुएंसी आ जाएगा आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कोई कोर्स ज्वाइन करने का, सिर्फ बोलिए रोज़ आप उसको, चाहे कितना ही टूटा फूटा इंग्लिश बोलते हैं, और लोगों को सुनिए रोज़। जैसे आप ग्रुप में जाएंगे, क्लास देखेंगे, और बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस शब्द को कैसे बोला जा रहा है, उस हिसाब से चीज़ें आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका तगड़ा लेवल का डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इंग्लिश में ही सारी क्लासेस हो रही होंगी आपकी। तो चलिए बात करते हैं रजिस्टर कैसे करना है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको दे रहे होंगे, और रजिस्ट्रेशन आपको बता दे रहा हूँ पेमेंट के साथ 12 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे होंगे। आज 7 तारीख है, 7 से 12 तक चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ यार, सबसे महत्वपूर्ण बात आप इस बात को भूलिएगा नहीं, सिर्फ पहले 50 बच्चों को ही एडमिशन मिल रहा होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स विल गेट एडमिशन इन आर प्रोपेलर बैच फॉर फेब्रवरी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सिटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।